दलितों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के हमले का सामना कर रही सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी ने पार्टी के दलित नेताओं से समुदाय के बीच एक जोरदार अभियान शुरू करने को कहा है। बीजेपी संगठन महासचिव रामलाल और भूपेंद्र यादव ने बुधवार को गुजरात भवन में बैठक की, जिसमें मोदी सरकार के सभी दलित मंत्री और करीब 35 सांसद मौजूद थे। इस बैठक में दलित राजनीति पर चर्चा की गई, साथ ही ये फैसला लिया गया कि बीजेपी के दलित सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और समाज के लोगों को इस साजिश के बारे में बताएं कि अगर किसी राज्य में दलितों पर अत्याचार होता है तो उसके लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार दोषी नहीं है। इस बैठक के बाद बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे साफ है कि केंद्र सरकार के साथ साथ आरएसएस के नेता भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष दलित मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और अगर अभी से रणनीति तैयार नहीं की गई तो बीजेपी के नतीजे दिल्ली और बिहार जैसे साबित हो सकते हैं। देखते रहिए जीबी लाइव।